अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क्या हाल है दोस्तों? सब लोग खैर खैरियत से हैं, उम्मीद रखता हूँ सब लोग खुश हैं, बराबर हैं। आज का जो व्लॉग है अभी स्टार्ट किया है सुबह 10:30 बजे। खैर कल से नहीं सोया हूँ, अभी रेडी हो रहा हूँ, जा रहा हूँ बार्बर के लिए दाढ़ी और बाल बनाने के लिए, ताकि उसके बाद खैर से रेडी हो के निकलता हूँ एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि इंशाल्लाह मेरा जो आज फ्लाइट है दुबई टू कराची, फिर खैर कराची से तो कोयटा भी होगा आगे आगे, बहुत लंबी टूर है पाकिस्तान का, ज़बरदस्त सा टूर लगाने जा रहे हैं इंशाल्लाह खैर से। तो फ़िलहाल आप लोग देख सकते हैं किस हालत में, दाढ़ी बाल किस तरह, शक्ल भी फुल, बैटरी डाउन है। तो इंशाल्लाह चलते हैं, दाढ़ी वाणी बनाते हैं और आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं आगे आगे होता है क्या। खैर वैसे भी कमरे में हूँ, कमरा पूरा बेड़ा गर्क है, क्योंकि अभी तक मैंने सेटिंग नहीं किया, अभी तक पैकिंग नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैं सबसे पहले जाना है दाढ़ी बाल बना के, उसके बाद आके पैकिंग करते हैं, फिर इंशाल्लाह खैर से निकलते हैं दुबई की तरफ। फिर दुबई से खैर दुबई जाते हैं, दुबई में कुछ चीज़ें भी लेने हैं मुझे वैसे कैमरा के लिए, और आगे बहुत टूल्स मुझे लेने हैं जो इक्विपमेंट्स हैं वहाँ के, व्लॉगिंग के लिए यूज़ करना पड़ेगा मुझे पाकिस्तान में, तो इसी वजह से फिर आऊँगा और मिलते हैं उसके बाद। अभी देखिए उसके बाद देखिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो हम आ गए हैं बार्बर के बाद, अभी फुल रेडी हैं, आप लोग देख सकते हैं आई एम रेडी टू गो। सो फुल नया लुक, नया स्टाइल, अभी निकल रहे हैं खैर से। अभी शरखा मेरा दोस्त आ रहा है तो उसके साथ जाके फिर निकलते हैं दुबई की तरफ, फिर दुबई से कुछ चीज़ें लेने हैं, वहाँ से फिर सीधा एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से फिर भागना है किधर, कराची के लिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, जब तक शेरखान मेरा दोस्त भी आ जाए। तो भाई अभी हम निकले हैं खैर से, गाड़ी में बैठे हुए निकले हुए हैं दुबई के लिए। इस तरफ जो कैमरे के जो इस तरफ बंदा है, ये बड़ा प्यारा मासूम सा बंदा है, ये मेरा दोस्त शेरखान है। तो खैर अभी शेर भाई मुझे पहुँचा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो दुबई में ना एक अलग ही साहब है, अभी एग्जाम्पल वो मुझे पहुँचा रहा है ना दुबई, लेकिन ड्राइव मैं करूँगा। तो भाई इसी तरह ही होता है ना? हाँ इसी तरह होता है। मैं वापसी में किस तरह ड्राइव होगा अल्लाह जाने, वापसी का ड्राइव क्या होगा वो अल्लाह जाने, लेकिन जाने के टाइम ना मतलब ड्राइव जो है ना, अभी मुझे अभी शेर भाई मुझे पहुंचा रहे, तो चलाना मुझे खुद है भाई, मुझे खुद ड्राइव करना है। तो भाई काम किसका है? आपका ही है ना, तो आप ही चलाओगे। ये ले आपको मिस कॉल भी आ गया, आप अपना जरा शक्ल तो दिखाए ना जरा, आपको भी देख के लोग ना। तो भाई खैर से निकले हुए अभी जी, ये हमारे यूसुफ भाई हैं जी, ये परवाह नहीं करते कोई बंदा कितना बिजी है, ठीक है, ये असल में एक्चुअली खुद फ्री है ना, तो ये समझते हैं सारे ही फ्री है। तो मैं यकीन माने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के मैं उनको छोड़ने जा रहा हूँ। अभी ऑन रिकॉर्डेड मैं कुछ नहीं कह सकता भाई। वो कहते हैं ना, कहते हैं वो सीन के पीछे जो वो एक्शन होगा ना उसके बाद ही है, जब रिकॉर्ड ऑफ हो जाएगा वो तब की बात है। अभी यही हाईवे आप देख सकते हैं भाई, ये नया हाईवे जो यहाँ पे 140 मैक्सिमम और 120 मिनिमम स्पीड है अलाउड है, इसी रास्ते से जा रहे हैं। आगे से हम लोग अटैच होंगे शेख मोहम्मद और राशिद रोड पर, फिर सालिक से जाके वहाँ पर, आप लोग को याद होगा शायद, आप लोग ने पिछला जो मेरा ब्लॉग देखा था जो ग्लोबल विलेज में हम लोग थे, जो कैमरा मैन था हम लोग का मिस्टर उमर अब्बासी, उनको पिक करने जाएंगे, और उसके साथ जो स्टेक नहीं बनाया था वो बंदा जायद, उसे उठाएंगे, जायद खान हमारा भाई पप्पू है, वो पप्पू उसका जो हम लोग नाम क्या पप्पू तंग ना कर, तो उसे उन दोनों को पिक करेंगे खैर से, उनके मतलब रूम पे भी जाएंगे, उनके रूम पे भी जाएंगे, वहाँ से फिर इंशाल्लाह निकलेंगे 3 बजे, क्योंकि मुझे एयरपोर्ट होना है, फिर खैर वहाँ से फिर फ्लाइट है कराची के लिए, 6 बजे मेरे ख्याल से डिपार्चर होगा और पाकिस्तानी 9 o'clock में पहुँच जाऊँगा कराची। तो खैर मिलते हैं आप लोग से आगे जब पहुंचेंगे खैर से दुबई की तरफ, मिस्टर उमर अब्बासी है, मिस्टर जायद खान के पास। तो ये जो बंदा है ना, ये बंदा, ये ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट। तो भाई खैर से अभी हम पहुंच गए हैं, यहाँ पे है हम लोगों का भाई जबरदस्त जदी बंदा, और ये तो आप लोग इसको जानते हैं भाई, हमारा जो बंदा है जो लोगों को पहुंचाते हैं वो बंदा खुद ही ड्राइव करे, ये उस तबीयत का बंदा है। सब भाई पाकिस्तान जा रहे हैं जी यार, पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान माशाल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान। ये भाई ये हमारे भाई का रूम है मिस्टर जायद, और ये दो कमरे भाई, परदेसी इसी को कहते हैं, परदेसी इसी को कहते हैं, अल्लाह आप लोगों को भाई ताकत दे इस तरह रहे कि भाई। और असल में जो हमारे जो
चांद नवाब कैमरा मैन जो है उमर अब्बासी वो वहाँ पे किचन में भाई बिरयानी पका रहा है, तो उसके इंतज़ार में हम लोग, जब तक तो उसके बिरयानी कहेंगे ना हमारी फ्लाइट भी चली जाएगी हमसे। नहीं पूछे ना पाकिस्तान जा रहे हैं, यहाँ थोड़े लोगों को तंग किया है, वहाँ किसको तंग कर रहे हैं। देख देखो देखो ऐसे दोस्त ऐसे, ये शरीफ बंदा है, ये शरीफ बंदा है, ये जो है ना, ये बंदे को आप लोग जो देख रहे हो ना, ये दिखता जो दिखता है वो नहीं है भाई। एक्चुअली मेरा इरादा था कि मैं आप लोग को दिखाऊं कि हम लोग ने खाना क्या क्या है। भाईजान ने दम बिरयानी बनाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भूख इतना लगा हुआ था कि बस डायरेक्ट कॉल के बस बिस्मिल्लाह करें। ये शेफ पता कौन है? ये वही है कैमरामैन उमर अब्बासी आपका कैमरामैन चांद नवाब के साथ अब्बासी है, वही है। अब शेफ देख, तस्वीर भी उसी का लगा हुआ है ऊपर, तस्वीर भी उसी का लगा हुआ है लेकिन थोड़ा सा हट के। और ये जो है ना हमारे भाई यार जाहिद जानी है, इसको हर टाइम नींद आई होती है, हर टाइम नींद आया। और ये बंदा जो है सामने ना, ये भाई नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर। हाँ ये वो बंदा है, मतलब जो है ना, ये हमारे जो पीर साहब है, सबसे शरीफ उमर अब्बासी बिल्कुल अच्छा बंदा। हाँ जी जी, क्या कहते हैं आप मिस्टर उमर के बारे में? मिस्टर उमर जितने शरीफ है ना उतना और कोई शरीफ नहीं है, कोई नहीं है। और शेर भाई कह रहे हैं कि ये शरीफ है, और दूसरा वो हमारे नवाज शरीफ भाई, सारे PTI पीपल आते हैं, इमरान खान सपोर्टर। अभी निकलते हैं, अभी जाना है वहाँ से, मुझे एक्चुअली मेमोरी कार्ड चिप भी लेना है और माइक्रोफोन भी लेना है, वायरलेस माइक्रोफोन वो लेना है मुझे। फिर इंशाल्लाह पर निकलता हूँ एयरपोर्ट के लिए। खैर से मुझे ड्रॉप करने ले जा रहे हैं शेख भाई, उमर अब्बासी भाई और जायद भाई। पहले पूछ तो लो उनसे, ड्रॉप करने जा भी रहे हैं कि नहीं? अब कह दिया, अब जाना पड़ेगा, अब जाना पड़ेगा, कह दिया तो कह दिया। तो खैर निकलते हैं खैर से एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि कल से नहीं सोया हूँ, फुल थका हुआ हूँ, ऐसा नींद आ रहा है कि क्या बताऊँ आपको। चले फिर मिलते हैं। क्या नाम है, रैपिंग तो कर लिया, अभी खैर से जल्दी से भाग रहा हूँ ताकि पहुँचूँ क्या नाम है बोर्डिंग के लिए। आई गेस अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी 4:30 है समथिंग आई गेस, और 6 o'clock फ्लाइट है, आधा घंटा बचा हुआ है बंद होने से पहले। अभी जल्द से जल्द भागते हैं, अल्लाह करे जल्दी जल्दी हम लोग अपना बोर्डिंग करवा लें। सो अभी मैं आया हुआ हूँ, क्या नाम है, क्या कहते हैं, सेल्फ सर्विसेज बैगेज ड्रॉप। अभी जाते हैं यहाँ पे देखते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह चेक इन कर लिया सब कुछ। सबसे बड़ी मतलब मैं परेशान था वो लगेज के लिए, क्योंकि मेरा जो लगेज वेट जो था 25 kg, जो कैंप था मेरे साथ एग्जैक्टली 15 kg, और जो बैग था मेरा 10 kg, फिक्स नो चेंजेस। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सब हो गया, हाथ में बोर्डिंग पास, सीट अपने हिसाब से दे दिया। मैंने बोला जो भी है खैर, बंदा जाए यहाँ से, एटलीस्ट आई शुड क्रॉस, जाके अंदर नमाज पढ़ लूँ, नासर का नमाज पढ़ लूँ फिर, और इंशाल्लाह फिर रेडी होता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। खैर अभी मैं आगे जा रहे हैं पासपोर्ट कंट्रोल पर, वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, तो मिलते हैं आपको अंदर। तो भाई
अभी हमें जाना है C36 पे। ऐसे आप लोग देख सकते हैं सामने कैमरा मैंने तो बैग में रखा हुआ है, बारिश से वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए। अल्लाह करे जिधर मैं जा रहा हूँ जो गेट है वो ज़बरदस्त हो, बाकी अल्लाह जाने देखते हैं क्योंकि आज बहुत थका हुआ हूँ, कल से सोया भी नहीं हूँ पूरा पेड़ा घर कैसे बॉडी काम भी नहीं कर रहा ऐसे जाने और ऊपर से सही बेड़ा गर्क बेड़ा गर्क मेरे थका हुआ ना वो भी अगर नींद बराबर नहीं तो पूरा सत्यानाश। सो भाई एक्चुअली मैं गया था कोई और जगह पे, वो क्लियरली लिखा हुआ है C3। जब बंदा नहीं सोता है ना एक दिन ना पूरा 24/7 किसी तरह जगा होता है ना तो बंदे को फर्क भी नहीं पता चलता कि C3 में और C36 में नंबर्स में फर्क क्या है, 36 और 3 में फर्क क्या है। अभी जा रहा हूँ तो 6 बजे डिपार्चर है और अभी टाइम हो रहा है 5:35। भाग भाग भागना ही है और क्या है भाई, भागना ही है और क्या करें भाई, भाग रहे हैं जितना भाग सकते हैं भाग हैं। बैठे हुए थे वहाँ पे आराम से थोड़ा रेस्ट कर रहे थे लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ, अभी जितना भाग सकता हूँ भाग वो अपने जगह के लिए भाई। ज़िंदगी में एक चीज़ बंदा याद रखे कभी भी ट्रैवलिंग करे अपना नींद बराबर करे पूरा करे क्योंकि नींद अगर पूरा ना हो ना बेड़ा गर्क। कसम से इतना थका हुआ हूँ ना आप लोग से बात करना चाहता हूँ क्या कहूँ क्या नहीं, पूरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। देखते हैं C1 C11 C16 स्टिल आगे बढ़ रहे हैं। चलें भाई चलें मेरे ख्याल से नीचे और भागना पड़ेगा भाई, इसने तो बेड़ा गर्क कर लिया। चल रहे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, कब C3 आएगा भाई आखिर में, वो भी मेरे ख्याल से अनाउंस कर रहे होंगे। यूसेफ इसे भाई तक घूम रहा है, मौजा ही मौजा। ये तो होटल के लिए जा रहा है, ये किधर है अच्छा तो यहाँ पे सारे फोटोज को बाग यार मुझे सही लेके जा रहा है कि सही जा रहा हूँ कि गलत जा रहा हूँ, बाकी अल्लाह जाने। मुझे जा रहा है कि आज फ्लाइट ही मिस ना हो जाए, जल्दी पहुँचने में जल्दी जाने में या लेट आने में जो भी है आप लोग समझ गए। C1 C8 अच्छा स्टिल सीधे, ये मैकडॉनल्ड्स है भाई वाजी वाह, यहाँ पे भी मैकडॉनल्ड्स अच्छा मैक कैफे है वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स है। तो बेड़ा घर को इन लोग ने कहाँ पे भी इन लोग ने गेट बनाया हुआ है। पहले तो एक्चुअली ना जब भी आप टर्मिनल 3 में आते थे ना तो आपको गाइड करते कहते सर यू हैव टू टेक फ्रॉम द रेलवे टू लेफ्ट, अभी कोई भी नहीं है खामोशी। हाँ जी साहब यहाँ पे सो रहे बाहर जल्दी C6 C8 C1 C4 C5 C9 गेट पर पहुँचे। अच्छा अभी आगे स्टिल आगे चलो भाई चलो ओए बाग 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 इस बाग C3 किधर आ गए, जा रहे हैं लगे हुए हैं
ट्रेनिंग पे। फाइनल कॉल, फाइनल कॉल था, भी आखिरी बंदा बच गया। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच तो गया खैर से, वही जा रहे हैं। किधर गया? यही है, हाँ यही है, चले यही है, शुक्र है कि यही है। हम ढूंढते रहते हैं वेट कर रहे हैं भाई, किधर हैं ये लोग? फाइनल कॉल पे, फाइनल कॉल पे। बड़ा वर्क, अरे गर्मी अभी ना जाने के कराची में किस तरह आया मौसम। बलूचिस्तान की तरफ तो भाई मौसम ज़बरदस्त है, कि कराची सिंध की तरफ किस तरह मौसम है देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो मैं यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ कराची। ये है मेरा कज़न सलमान। तो खैर अभी हम लोग पहुँचे हैं कराची, कराची पहुँचे। कराची में भाई ज़बरदस्त ज़बरदस्त सा नमी है, और आपका भाई जो है ना फुल थका हुआ है, सही थका हुआ है। और यहाँ पे मेरे साथ जो है ना बड़े स्पेशल गेस्ट हैं भाई कराची के, भाई बड़े ख़ास बंदे हैं। तो खैर कराची के वैसे दोपहर को कैसे मौसम सेट है? हाँ सही है, हाँ सही है। ज़बरदस्त गर्मी है, गर्मी किस तरह? गर्मी गर्मी बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है यार। वैसे तो ये बात तो है कि दुबई से ज़्यादा गर्मी है कराची, दुबई से तो ज़्यादा गर्मी है भाई, बहुत गंदा गर्मी है तो अस्तग़फ़िरुल्लाह। और नमी भी बहुत ख़राब नमी है। तो खैर से भाई हम लोग जो हैं पहुँच गए हैं खैर से, अल्हम्दुलिल्लाह कराची तो पहुँच गए हैं खैर से भाई। थका हुआ हूँ, कल से सोया भी नहीं हूँ। तो आज जो है आज का जो व्लॉग है इतना लंबा भी नहीं होगा खास। खैर तो आज का जो व्लॉग है मैं यहीं से ही एंड कर लूँगा, ताकि सो जाऊँ, सुबह उठूँ, एक नए व्लॉग के साथ स्टार्टिंग हो जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल खैर से। तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर का बटन कभी ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको पसंद आया होगा वीडियो, अगर आप चाहते हैं मेरे और वीडियोज़, मेरे और व्लॉग्स देखें, तो बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, ताकि जो अगले वीडियोस में जब अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो खैर इसी बात पे कहते हैं शबा खैर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।